नमस्कार दोस्तों मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस आज मैं खबर को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं उस खबर ने आज पूरे देश में बवाल मचा कर रखा हुआ है आप समझ गए होंगे कि मैं किस खबर की बात कर रहा हूं खबर बॉलीवुड से जुड़ी है इसे हम अब महाराष्ट्र वर्सेज बिहार की लड़ाई भी कह सकते हैं यानी कि महाराष्ट्र बनाम बिहार जी आप समझ गए होंगे कि मैं दिवंगत अभिनेता सुशांत राजपूत की बात कर रहा हूं सुशांत राजपूत ने क्या वाकई में आत्महत्या की थी या फिर उसे स्टेज पर ला के खड़ा कर दिया गया कि वह खुद ही आत्महत्या कर ले इस घटना को एक महीने से अधिक का समय हो गया है लेकिन आज तक यह पता नहीं लग पाया कि सुशांत राजपूत की मौत का आखिर असली कारण है क्या क्या पर्दे के पीछे उसकी हत्या की गई या फिर उसे आत्महत्या पर मजबूर कर दिया गया सुशांत राजपूत की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है सुशांत ने आत्महत्या की या फिर किसी ने उसे मौत के घाट उतारा इस केस की गुत्थी लगातार दिनों दिन उलझती जा रही करीब डेढ़ महीने के बाद सुशांत के पिता की ओर से पटना में सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के बाद इस मामले में एक नया मोड़ भी आ गया है आप कहीं जाइएगा मत क्योंकि आज शुक्रवार को एक नई जानकारी है कि जो बैंक खाते जो बिहार पुलिस महाराष्ट्र में जो खंगालने गई थी उसमें कुछ काफी बड़ी मात्रा में जो लाखों करोड़ों की राशि जो है वो रिया चक्रवर्ती के भाई पर खर्च हुई है और दो करोड़ की रकम जो है एक नए खाते में गई है आखिर इसका गाबड़ जाला है क्या आप जाइएगा इसकी भी डिटेल आपके सामने रखेंगे हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है सुप्रीम कोर्ट में आज रिया चक्रवर्ती ने एक लिखित दायर में कहा कि जो सुशांत के जीजा थे ओ पी सिंह जो एक बड़े बहुत बड़े हरियाणा में पुलिस अधिकारी हैं उन पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए क्या आरोप वो भी आपको सिलसिलेवार बताएंगे सुशांत सिंह का मामला अब मुंबई पुलिस से होते हुए बिहार पुलिस के पास भी पहुंच गया है इसके अलावा इसकी जांच में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी कूद पड़ी है साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई आई आपको बताते कि अब तक इस केस में हुआ क्या कुछ सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि सुशांत के बैंक अकाउंट ऐसी संदेश स्थिति के अंदर पंद्रह करोड़ रुपए गायब हो गए बिहार पुलिस के एफ में दर्ज इस तथ्य के आधार पर अब प्रवर्तन निदेशालय ने सिरे से कार्रवाई करने की तैयारी में सूत्रों के मुताबिक जल्द ही यह मा, इस मामले में ईडी की मुंबई ब्रांच या बिहार स्थित पटना ब्रांच में केस दर्ज हो सकता है ईडी के सूत्रों के मुताबिक यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आता है या नहीं ये जानने के लिए इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेजों का अब अध्ययन किया जा रहा है बिहार सरकार ने सुशांत के पिता को कानूनी तौर पर बंधित करने का फैसला किया सरकार सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट दाखिल करने के लिए आगे भी आगे भी आ गई अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए नीति सरकार ने जाने-माने वकील मुकुल रतोगी की सहायता लेने का फैसला किया मुकुल रतोगी सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका का विरोध करेंगे जिसमें रिया चक्रवर्ती ने बिहार में उनके ऊपर किए हुए केस को मुंबई पुलिस को जांच के लिए ट्रांसफर की अपील की रिया के खिलाफ मुंबई बिहार पुलिस ने गैर जमानती धाराएं भी लगाई गई राजीव नगर थाना पुलिस ने धारा 341 342 280 420 धोखाधड़ी यानी की 406 420 और 306 के तहत रिया समेत छह लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया इस केस के सिलसिले में पटना से चार पुलिस वालों की टीम मुंबई में है और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करना चाहती है अब फिलहाल वह टीम एक बैंक में खाते खंगाल रही है खाते में देखना चाहती है बिहार पुलिस की खाते में यानी कि सुशांत राजपूत के जिस खाते में पंद्रह करोड़ थे वह पंद्रह करोड़ किन किन खातों में गए मौत के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच करने की मांग करने वाली एक जनित याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया कोर्ट ने कहा वो इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है उसे जांच करने दिया जाना चाहिए हालांकि भाजपा के बड़े दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी जो इस बात को लेकर सुशांत राजपूत के मामले को लेकर फिलहाल सुर्खियों में है स्वामी ने भी एक ट्वीट करके हर किसी को हैरान जरूर किया है उन्होंने आपको याद होगा ट्वीट करके एक दो नहीं बल्कि 26 ऐसी वजह बता दी जो इशारा कर रही है कि एक मर्डर है उन्होंने ट्वीट किया और कहा मुझे नहीं लगता मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस अंकिता लोखेणे ने भी सुशांत सिंह के डिप्रेशन में होने की बात को भी सिरे से खारिज कर दिया ये वही अंकिता है जो सबसे पहले टीवी धारावाहिक जो जी पर चलता था पवित्र रिश्ता उसमें थी सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट उन्होंने कहा कि सुशांत ऐसा इंसान नहीं था जो सुसाइड कर ले हमने और भी बुरा समय देखा था जब हम साथ थे वह बहुत खुश मिजाज लड़का था मैं उसे जितना जानती थी वह डिप्रेशन में नहीं था हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का यह कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में मुंबई पुलिस जांच कर है, जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सोशल मीडिया पर बवाल से लेकर पुलिस की पूछताछ जारी है पूरा देश इस बात को जानना चाहता है कि आखिर बिहार का छोरा जिसकी छिछोरे रिलीज हुई थी दमदार फिल्म थी केदारनाथ भी पी भी अच्छी फिल्में अच्छा नाम कमाया अच्छा रुतबा कमाया बहुत बढ़िया टैलेंटेड बिहार को महसूस हो रहा है बिहार के लोगों को महसूस हो रहा है क्योंकि आप तो जानते हैं कि बिहार के अधिकतर प्रवासी दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करते हैं और बिहार के लोगों को यह फक्र है कि सुशांत राजपूत एक बहुत बड़े बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत बड़े हीरो की तरह जमे हुए थे और अब उन्हें बात का दुख है कि आखिर बिहार का यह लड़का कैसे उनके हाथ से चला गया लेकिन आज तक अभी तक इस बात का पता नहीं लग सका कि इस एक्टर ने अपनी बहुमूल्य जिंदगी खत्म करने का कदम क्यों उठाया हर कोई इसे लेकर अपने-अपने नजरिए से थ्योरी पेश कराए पहले देखिए इस मामले में प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत ने सबसे पहले क्या कहा था आप भी ध्यान से सुनिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झिंझोड़ के रख दिया है मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैल नैरेटिव चलाना है वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं हाँ, सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों लो को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो मेरा कोई गॉड फादर नहीं है मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है आई फील लाइक आई लेफ्टॉप तो क्या इसमें इस, इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से छह के साल के स्पैन में पोचे जैसे दे, उनको कोई 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 डेब्यू की अवार्ड नहीं मिला या केदारनाथ या धोनी चि या छिछोरे जैसी फिल्म एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर उनकी फिल्म को कोई अक्नोलेजमेंट नहीं हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे अक्नोलेज क्यों नहीं हमें देते हैं मैंने मुझे इनकी फिल्म मैं जो खुद फिल्म डायरेक्ट करती हूँ उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते मुझ मुझे छह केसेस क्यों डाले गए क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है न्यूरोटिक है एडिक्ट है संजय दत्त एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है वो वो लोग मुझे मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है तू ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना ऐसा क्यों कहते हैं मुझे ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए तो ये की ये प्लान मर्डर था लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो वो मान गया उसने सुशांत कमजोर दिमाग का था वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है तो हमें ये डिसाइड करना है अब पहली बार सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखेड ने भी इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी उन्हें सुशांत को डिप्रेस इंसान बताने वाले लोगों पर नाराजगी जताते हुए साफ कर दिया है कि सुशांत कभी डिप्रेशन में थे ही नहीं अंकिता द्वारा कही हुई बातों को सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह का भी सपोर्ट मिला है सुशांत के जाने के बाद उन्होंने बिहार पुलिस को बयान देने के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी और कहा सुशांत के डिप्रेशन को लेकर जिस तरह की खबरें चल रही हैं वो गलत है निराधार है उन्होंने कहा सुशांत एक बेहद पॉजिटिव इंसान था जो छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढता था वो कहता था कि अगर मैं बॉलीवुड में कुछ नहीं कर पाया तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा और खुश रहूंगा अंकिता ने यह भी कहा कि सुशांत एक डायरी लिखते थे जिसमें वो लिखते थे कि अगले पांच सालों में वो क्या क्या करेंगे कैसे दिखें कहाँ पहुंचेंगे अंकिता का कहना है कि सुशांत ने अपने लिए पांच साल के जो भी सपने देखे थे वो सब सच हुए ऐसा इंसान डिप्रेस्ड कैसे हो सकता है यह भी सोचने वाली बात है अंकिता लोखेंड ने एक वीडियो भी शेयर किया सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने यह पोस्ट किया जिसमें उन्होंने शोक सम शेयर किया है जिसके जरिए उन्होंने कहा कि सत्य में विजेते सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह के इस पोस्ट से जाहिर है कि अंकिता द्वारा कही गई बातों को सुशांत के परिवार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है सुशांत के परिवार ने अभी तक आम सामने आकर फैल रही खबरों पर बात नहीं की लेकिन ऐसा लगता है कि सुशांत के परिवार की ओर से अब अंकिता उनका पक्ष रख रही है अंकिता ने यह बात रखी है कि सुशांत डिप्रेशन में हो ही सकते इतने विश्वास के साथ अभी तक ये बात किसी ने भी नहीं कही बता दें कि इस बीच सुशांत के पिता के के सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड ईयर चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर पिछले दिनों बिहार में दर्ज करवाई थी बिहार पुलिस फिलहाल इस मामले की जाँच कर रही है अब सुनिए अब आपको सुनवाते हैं पटना के एसपी विनय तिवारी जो इस मामले की तहकीकत कर रहे हैं सुनिए वो क्या कह रहे हैं सुनिए बिहार के एस विनय तिवारी का यह अभी इस मामले में चूंकि वरीय अधिकारियों वरी द्वारा ही कुछ कहना उचित होगा मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि, कि एफ दर्ज हो गई है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है अभी एफ दर्ज है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है इन्वेस्टिगेशन की अपनी एक दिशा है और दशा है उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है और अभी किससे पूछताछ होगी या नहीं होगी इन सब मुद्दों पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा एफ आई आर मिलेगा किसका नाम है पब्लिक आपको यह बता देना जरूरी है कि सुशांत सिंह राजपूत हिंदी फिल्मों में अभिनेता होने के साथ साथ थिएटर और टीवी भी अभिनेता भी थे टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में काम कर चुके राजपूत को सीरियल की बदौलत काफी लोकप्रियता भी मिली सुशांत ने फिल्म काई पोचे से अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया था इसके बाद उन्होंने एक स्टार के रूप में सभी दर्शकों ने अपना भी लिया सुशांत सिंह राजपूत का जन्म पटना में हुआ उनके पिता सरकारी अधिकारी हैं उनका परिवार 2000 के शुरुआती समय में दिल्ली में बस गया था सुशांत की चार बहनें भी हैं जिसमें से एक मीतू सिंह राज्य स्तर की क्रिकेट खिलाड़ी है राजपूत की शुरुआत शुरुआती पढ़ाई सेंट कैरेंट हाई स्कूल पटना से हुई थी और इसके आगे की पढ़ाई वह दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से हुई थी

किरदार निभाया था लेकिन जी टीवी का शो पवित्र रिश्ता ने उनके कैरियर को मील का पत्थर साबित कर दिया और सुशांत सिंह राजपूत कुछ ही दिनों में देश के लोगों के घर में पहुंच गए इसके बाद वे डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा टू और झलक दिखला जा फोर में भी दिखाई दिए और इसके बाद सुशांत ने फिल्मों का रुख कर लिया एक फिल्म से उन्होंने अपना फिल्मी सफर शुरू किया अब आपको बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड फिल्में कौन सी थी काय पोचे यह फिल्म से शुरुआत हुई शुद्ध देसी रोमांस एम एस धोनी आपने कई बार देखी होगी आमिर खान की पीके जिसमें उन्होंने एक पाकिस्तानी युवक का किरदार निभाया था इसके बाद आई केदारनाथ जिसने बड़ी धूम मचा दी लेकिन उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला इसके केदारनाथ के बाद आई छिछोरे जो पूरे देश में जा गई फिर भी व्यवहार से दूर रहे बता दें सुशांत राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा है जिसमें उनके साथ संजना सांघी नज़र आई है ये फिल्म 24 जुलाई 2020 को यानी कि अभी कुछ दिन पहले एक डिजिटल प्लेटफार्म पर रिलीज़ हुई है बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में 14 जून को अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में लटका हुआ पाया गया था जिससे उनकी मौत हुई उनके नौकर ने उनके शव को पंखे से जब लटकते हुए देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी मुंबई पुलिस जांच के लिए उनके घर पहुंची थी लेकिन इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आई है हालांकि सुशांत सिंह राजपूत महत चौतीस वर्ष के थे टेलीविजन की दुनिया में पवित्रता के साथ घर घर में नाम कमाने के बाद साल दो में सुशांत ने बॉलीवुड फिल्मोमेंट्री ली सुशांत के निधन का कारण आत्महत्या को बताया जा रहा है और मुंबई पुलिस आत्महत्या की वजह की जांच कर रही है लेकिन दो दिन पहले ही मुंबई पुलिस ने भी इसलिए जांच रोक दी क्योंकि बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी आपको बता दें कि उनके प्रशंसक लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनके अनुसार सुशांत किसी साजिश के तहत हत्या का हत्या की गई यानी कि एक शिकार हुए सोलह जुलाई को सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करते हुए गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की थी लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस इस केस की अच्छी तरह जांच करने में सक्षम है पच्चीस जुलाई को सुशांत के पिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती समेत पांच लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पटना पुलिस के पास एफ दर्ज कराई आपको बता दें कि आरोप धोखाधड़ी चोरी गलत तरीका अपनाना आपराधिक विश्वासघात और सुशांत के पैसे से हड़पने से संबंधित एफ आई दर्ज हुई है अब सुशांत की कुछ ऐसे बातें भी आपको बताते हैं जो शायद ही आप जानते हो सुशांत पढ़ाई में काफी अव्वल थे इस वजह से वे कई परीक्षाओं में बैठे और सफल हुए लेकिन उन्हें तो अपना कैरियर फिल्मों में बनाना था इसलिए वो पहले दिल्ली आए और इसके बाद मुंबई की ओर रुख कर दिया सुशांत मशहूर कोरियोग्राफर श्यामक डावर के छात्र सुशांत ने 2006 के कॉमनवेल्थ खेलों में भी परफॉर्म किया था इसके बाद इक्यानवे इक्यानवे फिल्म फेयर अवार्ड में भी वे बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम कर चुके थे मुंबई आने के बाद उन्होंने एक डांस ग्रुप के साथ भी परफॉर्म किया जिसकी मशहूर कोरियोग्राफर एशले लोम्बो ने प्रशिक्षित किया था इसके बाद उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और शायद यही कारण है कि वे एक मेहनती अभिनेता बनने में सफल हुए उन्होंने मशहूर एक्टर डायरेक्टर अलन अमीन से मार्शल आर्ट के गुरु भी सीखे हुए थे मशहूर टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से पहले वह किस देश में है मेरा दिल नामक सीरियल में काम भी कर चुके थे पवित्र रिश्ता में निभाए गए अपने किरदार मानव देशमुख से वे घर घर की पसंद बन गए वे जरा नच के दिखा और झलक दिलजा जैसे बड़े डांसिंग शो के भी प्रतिभागी रहे और झलक दिलखाजा के दौरान उन्हें मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्म का टाइटल भी मिल चुका था अपनी पहली फिल्म में सबकी नज़र में अपनी जगह बनाने वाले सुशांत राजपूत का जीवन आसान नहीं रहा माँ बाप की इच्छा के बिना उन्होंने फिल्मों को अपना कैरियर चुना और आज इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया फिल्म कायपे चे में निभाए गए अपने किरदार की प्रेरणा उन्हें अपनी बहन मीतू से मिली थी मीतू सिंह राज्य स्तर की क्रिकेट खिलाड़ी हैं एक समय था जब उनके साथ अभिनेत्रियां काम करना नहीं चाहती थी क्योंकि वे एक साधारण परिवार से थे और उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड तो नहीं बैकग्राउंड भी नहीं था और साथ साथ वे बिहार के रहने वाले थे फिल्म शुद्ध देसी रोमांच इसका उदाहरण है काफी समय बाद फिल्म के लिए प्रणिति चोपड़ा को साइन किया गया था वे अपनी लव लाइफ को लेकर भी अखबारों टीवी की सुर्खियों में रहे वे अपनी प्रेमिका अंकिता के साथ काफी लंबे वक्त से रिलेशन में थे और खबरों की माने तो वे एक साथ लिव इन में भी रहे थे दोनों लव बर्ड की मुलाकात पहली बार पवित्रता के सेट पर हुई थी और वहीं से दोनों के बीच प्यार पनपना भी शुरू हो गया था ऐसा माना जाता है कि दोनों के बीच ऐसा गहरा रिश्ता है कि अगर किसी भी फिल्म में सुशांत का किसिंग सीन होता है तो सुशांत यह बात पहले ही अंकिता को बता भी देते थे और उनकी हामी के बाद ही वैसे सीन को अंजाम देते थे अपनी आने वाली फिल्म डिटेक्टिव व्योम व्योमकेश बख्शीज को लेकर वे खासा सुर्खियों में फिल्म के फर्स्ट लुक और ट्रेलर ने पहले से ही बाजार में धूम मचा रखी है और दर्शक सुशांत को इस किरदार में देखकर बेहद खुश हुए डायरेक्टर दिभाकर बनर्जी के अनुसार ब्योमकेश बख्शी के किरदार के लिए उनकी पहली पसंद सुशांत थे ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में उनके और अभिनेत्री मुखर्जी के बीच एक लंबा किसिंग सीन फिल्माया गया जो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के फिल्माए गए एक फिल्म के सीन से भी लंबा है उन्होंने भारतीय क्रिकेटर एम एस धोनी पर बनी बायोपिक में भी उनका किरदार निभाया अब आते हैं मुद्दे की बात पर आखिर सुशांत राजपूत की मौत का फायदा किसे मिलने वाला था हम इसे एक तरह से बॉलीवुड बनाम मॉडल रिया चक्रवर्ती से जोड़कर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि रिया दो दिन पहले से बड़ी सुर्ख में देखिए सबसे पहला पहलू यह आता है कि जो भी व्यक्ति जिसकी हत्या हुई हो या फिर उसने दबाव में आकर हत्या हत्या कर ली हो वह दो कारणों से हो सकती है पहला कारण दबाव से जुड़ा हो सकता है हो सकता है कि सुशांत के खिलाफ बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक गैंग उसके खिलाफ काम कर रहा हो सुशांत को लग रहा हो कि यदि ऐसा हुआ तो उनकी इमेज धराशाई हो जाएगी और वह पूरी तरह से जमीन पर आ जाएंगे फिर उनका फिल्मी करियर भी तबाह हो जाएगा हो सकता है कि सुशांत राजपूत की मौत का कारण यह परिस्थिति भी हो अब बात करते हैं दूसरे पहलू की जो अभी एक दो दिन पहले ही पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है उन सुर्खियों में मॉडल अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का नाम सबसे ऊपर आ रहा है आज शुक्रवार को बिहार पुलिस के हाथ सुशांत के बैंक अकाउंट की ऐसी डिटेल हाथ लगी है जिससे पूरा बॉलीवुड हैरान है डिटेल समाचार एक्सप्रेस के आग भी लगी है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर ला रहे हैं आप भी इसे ध्यान से देख लीजिए हम दूसरे पहलू की बात करे थे अब क्या यह सच है कि सुशांत के बैंक अकाउंट को रिया चक्रवर्ती ने हाईजेक कर लिया था क्या वास्तव में सुशांत की बहनों को अपने भाई सुशांत को मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था क्या सुशांत की बहनों की टेलीफोन पर बातचीत नहीं कराई जाती थी आखिर रिया चक्रवर्ती के भाई का खर्चा सुशांत के अकाउंट से क्यों पे किया गया एक साल में पंद्रह करोड़ रूपये की राशि सुशांत के अकाउंट से कैसे बाहर आ गई अब आपको सुनवाते हैं दिवंगत सुशांत राजपूत के पिता ने इस कानूनी लड़ाई में जिस एडवोकेट प्रकाश सिंह को खड़ा किया वो क्या कह रहे हैं पहले वो ध्यान से आप सुन लीजिए देखिए डेढ़ महीने का सवाल दो रीजन से लगा एक तो कि फैमिली शोक में था दूसरी बात कि मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा था आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ पहला एफआईआर यही है तीसरी बात यह है कि जब फैमिली को लगा और जब शौक से फैमिली निकली और जब देखा कि यह मुंबई पुलिस का रवैया मुंबई पुलिस फैमिली पे प्रेशर डाल रही थी कि आप बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का नाम दें उनको इन्वॉल्व करें तो जब फैमिली ने देखा कि ये तो बिल्कुल ही डायरेक्शन डिफरेंट आ रहा है तब लगा कि अब कोई उपाय नहीं बचता है और चूंकि पटना में कॉज ऑफ एक्शन था पटना में उसके पिता रहते हैं प्लस कॉज ऑफ एक्शन था इसलिए ये डिसाइड हुआ कि हम लोगों ने किया देखिए जो मुंबई पुलिस कर रही थी वो जो किस किस डायरेक्शन में मुंबई पुलिस जा रही मैं अभी कह भी नहीं सकता क्योंकि मेरा कहना भी ठीक नहीं होगा लेकिन डेफिनेटली मुंबई पुलिस सही डायरेक्शन में नहीं थी इसमें कोई दो राय नहीं है और पटना में भी जब हम गए एफ दर्ज कराने के लिए तो पुलिस को प्रॉब्लम था एफ दर्ज करने में तो पुलिस को यहां तक मतलब आपको मैं आ, म, क्या बताऊं पुलिस को था कि जब तक हमको ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक हम और मैं मदद बोलना चाहूंगा आज कैमरा पे कि नीतीश कुमार जी ने बड़ा पॉजिटिव रोल किया संजय झा उनके मिनिस्टर हैं इरिगेशन मिनिस्टर उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल किया उन्होंने उन्होंने सारे केस को समझा और फिर उसके उनकी मदद से पुलिस को समझाई गई और तब यह केस रजिस्टर हुआ पे पहला एफ सिर्फ एक ही एफ है वो पटना पुलिस का एफ है और हम चाहते हैं पटना पुलिस इन्वेस्टिगेट करे सारे मामले को और इसको अंजाम तक लेकर के जाए सी जांच की मांग परिवार की तरफ से कही नहीं थी किसी ने एक बार एक दो बार ऐसे ही बोल दिया था लेकिन ऐसी कोई जाँच नहीं की मांग नहीं सोना आपने सुशांत राजपूत का केस लड़े वकील ने क्या कहा बिहार पुलिस को सुशांत के बैंक अकाउंट डिटेल से पता चला है कि इसमें नामनी में उनकी बहन प्रियंका सिंह का नाम है साथ ही यह भी पता चला है कि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती के भी फ्लाइट्स और होटल का महंगा खर्च सुशांत सिंह खुद उठाते थे आइए अब आपको बताते हैं सुशांत का बैंक डिटेल बारह अक्टूबर दो को विद्रेज को बहत्तर हजार रुपए की पेमेंट की गई चौदह अक्टूबर को शोभिक चक्रवर्ती की फ्लाइट के खर्च पर इक्यासी हजार रुपए यहाँ से निकाले गए फिर 15 अक्टूबर को शोविक चक्रवर्ती के होटल का खर्चा यानी कि 4 लाख भी रुपए सिकाउंट से निकला 15 अक्टूबर को दिल्ली के होटल की पेमेंट 4 लाख 34000 पे वो भी यहाँ से निकाली गई इसके अलावा 26 ज्ञान को 2019 को न्यू टर्म डिपॉजिट हुआ 2 करोड़ रुपए वो किस खाते में हुआ इसके अलावा अभी बिहार पुलिस सुशांत राजपूत के बैंक अकाउंट से निकली डिटेल की जांच कर रही है बता दें कि सुशांत के पिता ने एफ आई आर में यह भी आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अपने बेटे का बैंक रिकॉर्ड चेक किया तो उन्होंने देखा कि एक साल में सत्रह करोड़ रुपये खर्च हुए इसमें से पंद्रह करोड़ एक ऐसे खाते में ट्रांसफर किए गए थे जिसका सुशांत से कोई लेना देना तक नहीं था उनका कहना था कि रिया के सभी बैंक अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए उसके भाई की भी जांच हो जिससे पता चल सके रिया ने उन पैसों में से कितने पैसों का इस्तेमाल किया और कैसे किया क्या सुशांत को बंधक बनाए जाने का आरोप सही है क्या यह आरोप भी सही है कि तांत्रिक सुशांत के घर पर बुलाए जाते थे हालांकि पुलिस के समक्ष सुशांत के नौकर इस बात का कबूलनामा किया है कि तांत्रिक सुशांत के घर आते थे लेकिन पुलिस तफ्तीश में यह बात सामने आ पाएगी अगर यह बात बातें सब सटीक और सही निकलती हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि सुशांत की मौत की वजह क्या थी किसकी मौत से किसको सबसे अधिक फायदा मिलता है यह बात सबसे अधिक मायने रखती है यह सच भी है कि जिसे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला होगा या जो फायदा उठा चुका है वो ही इसका जिम्मेदार भी हो सकता है हमारा मतलब आप बखूबी समझ गए होंगे यह लड़ाई अब भी बॉलीवुड बनाम रिया चक्रवर्ती के आसपास घूमती नजर आ रही है लेकिन अब चूंकि रिया चक्रवर्ती ने भी आज शुक्रवार को सुशांत शुक, के जीजा ओपी सिंह जो हरियाणा पुलिस में एक बहुत बड़े अधिकारी हैं उन पर रिया ने गंभीर आरोप जड़ दिए हैं रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि बिहार में जो एफ दर्ज की गई उसमें सुशांत के जिजा का बड़ा अहम रोल है रिया कुछ दिन पहले सुशांत की मौत को लेकर सीबीआई जांच करवाने की मांग करती है

दूसरा पहलू उसकी फिल्म को इंटरनेट पर क्यों डाला गया और उन्हें किन फिल्मों का ऑफर पहले किया गया था और किसके दबाव में उन्हें फिल्मों से हटाया गया यह भी एक मजबूत कड़ी साबित होगी क्या सुशांत की मौत के पीछे कोई राजनीतिक तंत्र काम कर रहा था या फिर रिया चक्रवर्ती किसी राजनीतिक तंत्र के शिकंजे के तहत काम कर रही थी या फिर बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर भी धमकी का शिकार थे क्योंकि यह दिगर सच है कि आमतौर पर दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने वाले बिहार राज्य से यदि कोई युवक अपने दमखब अपनी काबिलियत के दम पर पीके केदारनाथ और छिछोरे जैसी फिल्मों में अपने भिन्ने का यदि लोहा मनवाकर देश के करोड़ों लोगों को अपना फैन बना सकता है तो सोचिए यदि बॉलीवुड इंडस्ट्री में यदि सुशांत लंबे समय तक फिल्मों में डटे रहते तो पता नहीं क्या मुकाम हासिल कर लेते इसका डर किसे था बस यह सच आना जरूर चाहिए सुशांत राजपूत से जुड़े अहम पहलुओं और नई जानकारी के साथ आपके साथ समाचार एक्सप्रेस ऐसी रहेगा तो लगातार बने रहिए हमारे साथ नमस्कार जय हिंद ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद